म्हणजे तसं आम्हाला ओरली तर म्हणजे जसं ऐकायला जसं आले त्यानुसार सांगतोय की बाबा आहे, म्हणजे जे सिनियर मेंबर जे आहे युनिव्हर्सिटी लेवलला रिप्रेझेंट करतात त्यांच्याकडून हे कळलंय आम्हाला 2-3 ऍक्च्युली 8 दिवसापूर्वी कळलं होतं, पण काल एकदम कन्फर्मच कळलं असं झालं. त्या केसमध्ये होऊ शकतो, म्हणजे 6 युनिट पण असू शकतो, पण त्यांनी काही टाइम स्पेंड तेवढाच दिलेला, कारण की ऍज पर अकॅडमिक कॅलेंडर ऑफ युनिव्हर्सिटी दॅट वी हॅव गॉट एस्टरडे एस्टरडे नाही डे बिफोर एस्टरडे इन दॅट दे हॅव मेन्शन दॅट टी अँड डी क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th of June अकॅडमिक इयर 2021-22 अँड एसी क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 20 ऑगस्ट अँड युअर एक्झाम विल बी आय थिंक फ्रॉम 7th of August सेमिस्टर 2 एक्झाम दॅट विल बी 5 to 6 days विल बी देअर फॉर दॅट एक्झाम अँड 4 to 5 days विल बी गॅप वन्स युअर फॉर दॅट सेमिस्टर 1 of second year. सो एज पर दॅट करिक्युलम ये तो डिसाइड हुआ है, तो ऑब्वियसली कम टाइम में हमें ये 6 units कमी मतलब कम्प्लीट करने होंगे. दैट इज अप टू जुलाई एंड. सर एग्जाम कब होगी आप बोले? 7th of August प्रोबेबल डेट्स. ओके वो ओके सर, फाइनल बट प्रोबेबल डेट्स बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज एससीटीई के भी एग्जाम्स नहीं हुए अभी तक सेकंड सेमिस्टर, और एग्जाम फॉर्म तो आपको पता ही है 15th of June इज द लास्ट डेट ना एग्जाम फॉर्म की, यस और नो? सो एग्जाम फॉर्म होने के बाद वो बहुत सारी लेट फॉर्म वगैरह फीस करके 20 के मतलब ये पूरा जून जाएगा. तो 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे, उसमें पहले होंगे बीई के, उसके बाद टी और एसी ऐसा होगा, उसके बाद लास्ट में आपका. तो उस शेड्यूल के हिसाब से आपका एग्जाम 7th of August बोला है, पता है एग्जैक्ट नहीं पता बट प्रोबेबल वही होगा, बिकॉज एज पर उन्होंने डेट जो बोली है एकेडमिक ईयर ऑफ कमेंसमेंट डेट ऑफ व्हाट सेकंड ईयर योर सेकंड ईयर फर्स्ट डे दैट इज 20th August. ओके सो वी विल स्टार्ट विथ अवर सेशन लैब सेशन. तो दिस इज आवर असाइनमेंट नंबर 3, दिख रहा है सबको? यस सर. हाँ कैन एनीबडी रीड द टाइटल? अरे दिख रहा है क्या सबको? व्हाट इज द टाइटल ऑफ असाइनमेंट नंबर 3? हेलो, एक्सेप्ट एन नंबर्स फ्रॉम यूजर, कंप्यूट एंड डिस्प्ले मैक्सिमम इन लिस्ट, मिनिमम इन लिस्ट, सम एंड एवरेज ऑफ नंबर्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन. यस एक्चुअली हमारा ये कंसेप्ट हुआ नहीं है, बट ऑब्वियसली लैब सेशन में तो अभी आगे तो जाना ही पड़ेगा हमें एज पर आवर सिलेबस. तो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंडक्ट दैट स्पेसिफिक टॉपिक एंड वी विल कवर दैट वॉट स्पेसिफिक असाइनमेंट रिगार्डिंग दैट टॉपिक. ओके तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, वी हैव टू एक्सेप्ट एन नंबर्स फ्रॉम यूजर, ओके एंड देन कंप्यूट एंड डिस्प्ले मैक्सिमम इन लिस्ट, मिनिमम इन लिस्ट, सम, एवरेज ऑफ नंबर्स यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन. तो मतलब क्या करना है हमें, एन नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं. ओके सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट लेना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको जो विच एग्जाम्पल दैट आई हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर, पता है ना? इन एंड नॉट इन ऑपरेटर में हम लिस्ट लिया था ना, बनाना, एप्पल, लाइक वाइज, और एक एग्जाम्पल. तो उस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट, तो लिस्ट के रिगार्डिंग क्या करेंगे हम, आई विल शो यू द सम टॉपिक्स रिगार्डिंग लिस्ट. सो डायरेक्टली विल सी एंड उसके बाद एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे. तो ये लिस्ट एक्चुअली सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो तब हम देखने वाले, पर अभी आया है तो हमें करना ही पड़ेगा. तो व्हाट इज बेसिक, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि देर आर एक्चुअली 4 डेटा टाइप्स विच आर एक्चुअली बेसिक डेटा टाइप्स विच आर अवेलेबल इन पाइथन. सो दोज आर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. यस और नो? यस और नो? हेलो, यस और नो? यस सर. ओके, लाइक वाइज, लाइक वाइज there are other data types are also ki jahan pe hame more than more elements will we have to store in single variable. So for that purpose we have another data types. So that data types are list, tuple, set and dictionary. So usme se hamare syllabus mein list hai, tuple hai, dictionary hai, set is not in our syllabus. So that is your part of your second chapter jo abhi humne
आज ही स्टार्ट किया है, उसमें हम देखने वाले, पर अभी इस असाइनमेंट में आए तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसको। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिस्ट लिया है, नाम बड़ा है थोड़ा, आई विल डू वन थिंग, L1, आई विल गिव द नेम ऑफ लिस्ट इज L1, एंड आई विल गिव द चेंज नेम एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट। सो आई हैव क्रिएटेड वन लिस्ट, तो याद रखना आपको, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एनी डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है उस एलिमेंट का। ओके, एंड दैट कैन बी मल्टीपल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर इन दैट स्पेसिफिक L1, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं हम लिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या यूज करते हैं लिस्ट, कहाँ पे मेंशन करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एस और नो, ऑल ऑफ इट क्लियर? जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, मोर देन वन एलिमेंट, नॉर्मली कैसे लिखते हैं हम, हाँ यहाँ पे कैसे लिखते हैं, L1 नॉर्मली एक वेरिएबल होगा, तो फॉर एग्जाम्पल 10, तो L1 इज इक्वल टू 10, लाइक वाइज हियर L1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा करके आपको एलिमेंट को सेपरेट करना है, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड एलिमेंट इज 4, सिक्स, थर्ड एलिमेंट इज 6, फोर्थ 7, एंड फिफ्थ वन इज 9, व्हेन यू आर आई रन दिस यू गेट द आउटपुट ऑफ दैट एलिमेंट, सो यू विल गेट द L1। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में स्टोर होते हैं, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वन इंडेक्स इज देयर। जैसे कि जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर होगा आपका, वन स्टोर होगा, फोर्थ इंडेक्स पे आपका स्टोर होगा वन, इंडेक्स पे आपका स्टोर होगा फोर, सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा सिक्स, लाइक वाइज थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे होगा नाइन। सो ऑब्वियसली इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट इज ऑलवेज वॉट, जीरो, ऑल ऑफ इट क्लियर, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट इज ऑलवेज जीरो, एंड लास्ट इंडेक्स इज ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन। तो अभी यहाँ पे बताओ मुझे, फर्स्ट इंडेक्स क्या है L1 का, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ इलेवन, नॉट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट वैल्यू एट दैट इंडेक्स, आई एम आस्किंग अबाउट द एलिमेंट इंडेक्स ऑफ दैट L1, जीरो, जीरो। व्हाट इज द लास्ट इंडेक्स देन, व्हाट इज द लास्ट इंडेक्स देन, फोर, यस, परफेक्ट, फोर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइव, सो फाइव माइनस वन इज वॉट, फोर। ओके, तो जब L1 यहाँ पे प्रिंट किया तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स ना, इफ यू वांट टू डिस्प्ले स्पेसिफिक एलिमेंट आई विल डू व्हाट, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, सिक्स, 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 व्हाई सिक्स, बिकॉज ऑलवेज एलिमेंट्स फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज जीरो, गेटिंग, यस और नो, how elements are stored in that specific list, okay? So if you want to, I want in specific range, but for example, I will start from 0 and I want it up to 3. 3 matlab actually 3 exclude hota hai. So what is output? 0 se start hoga aur kahan tak jayega? Kahan tak display hoga? 7. Tell me. No, 7 will be excluded. 7 will be excluded. So 1, 4, 6 is the answer. Getting? जो ये लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ पे लिखा ना कोलन के बाद, वो एक्सक्लूड होता है, that will be excluded. So what is answer? 1, 4, 6. So ये अभी लिस्ट में जब देखने वाले तब हम डिटेल में देखने वाले सारी चीज़ें, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको. What is list? अब ऐसी लिस्ट हमें क्या करनी है? Create करनी है. What we have to do? We have to create the list for that numbers. That जो भी हमारा यहाँ पे problem statement को user define है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेना है तो हमें वन बाय वन वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी उसको, तो उसके लिए अपेंड फंक्शन भी है एक्चुअली. ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, फॉर एग्जांपल L2 इक्वल टू L1 डॉट अपेंड इन ब्रैकेट 10. अभी ये फंक्शन यूज करने वाले इसलिए मैंने यहाँ पे अभी बताया. एक्चुअली वन थिंग यहाँ पे L1 चाहिए, यहाँ पे भी L1 चाहिए,
यहाँ पे नहीं हो रही, फंक्शन दे एक्चुअली, इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे ना ना लाइक 1 मिनट शो यू, लास्ट में ऐड करते ले मैं आपको, 1 मिनट वेट। वेट फॉर 1 मिनट शो यू ऐड लिस्ट ले। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली मैंने क्या किया था, तो प्रिंट किया था इसलिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे करके फिर देन आई विल प्रिंट L1। ओके हाँ, ऑल ऑफ यू गेटिंग, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अभी कुछ एलिमेंट्स हमें अपेंड करने हैं लिस्ट में, तो अभी बाकी इंसर्ट भी है, स्पेसिफिक इंडेक्स में इंसर्ट करना है वो भी देखेंगे बाद में, बट अभी ये प्रोग्राम में हमें यूज करना है, वो कैसे यूज करना है दिखा होगा आपको। अभी देखो लिस्ट में पहले एलिमेंट्स कितने थे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5। जैसे मैंने L1.append इन ब्रैकेट 10 किया, तो व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो अपेंड से क्या होता है, जो भी आप अपेंड फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट डालते हो, दैट विल बी अपेंड एट द लास्ट, मतलब लिस्ट के लास्ट में उसको एड करते हैं। अभी जब हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन से, यूजर इनपुट फंक्शन से जब एलिमेंट्स इंसर्ट करने वाले हैं, तो एक एक एलिमेंट हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, किसमें, लिस्ट में। सो ये अभी क्लियर है सबको, एटलीस्ट लिस्ट तो क्लियर हो गया सबको, ऑल यस सर। ऑफ यू क्लियर? हाँ। सो लिस्ट कैसे डिफाइन करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है? हाँ हेलो सर डाउट है मुझे हेलो, समझ नहीं आ हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। रहा। ओ सर ये अपेंड हाँ नहीं लिख रहा। हाँ अपेंड इज द फंक्शन टू ऐड समथिंग इन द करंट लिस्ट, मतलब मैंने यहाँ पे L1 लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, मुझे कुछ ऐड करना है उसमें और एलिमेंट्स, तो फॉर दैट फंक्शन, फॉर दैट थिंग, पाइथन गिवन वन फंक्शन रिगार्डिंग रिगार्डिंग लिस्ट, दैट फंक्शन इज अपेंड, एंड उसका पैरामीटर होता है एलिमेंट, जो कि आपको ऐड करना है वो आपको वहां पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल डबल कोट में कुछ डाला, फॉर एग्जाम्पल अमोल, दैट ऑल्सो विल बी एड इन दैट स्पेसिफिक L1। गेटिंग, यस और नो? यस प्रीवियस सर। लिस्ट क्या थी हमारी, उसमें मुझे कुछ ऐड करना है बाय यूजिंग सम फंक्शंस, दैट फंक्शन नेम इज अपेंड, इनबिल्ट फंक्शन है उससे बिल्ट, यहाँ पे इसलिए तो देखो असाइनमेंट का टाइटल भी हमारा क्या है, देखो यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, मैक्स मीन दीज आर ऑल बिल्ट इन फंक्शन दैट कैन बी अप्लाई ऑन दैट स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखो अपेंड फंक्शन यूज किया है, दिख रहा है सबको, यस और नो? यस सर। ओके ओके, सो वी विल डू दिस असाइनमेंट नाउ, क्योंकि अभी लिस्ट वाला टॉपिक हुआ है, फॉर लूप भी है उसमें, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो असाइनमेंट टाइटल तो समझ में है सबको, क्या करना है आपको, तो एक्सेप्ट एन नंबर्स फ्रॉम यूजर, अभी एन नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, दैट कैन बी 5, दैट कैन बी 6, दैट कैन बी 10। ओके सो डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट, तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, एन इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर देयर इन लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एन की वैल्यू 5 डाली, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन लिस्ट, एन की वैल्यू 5 मतलब 5। 5, यस। अभी यहाँ पे नंबर अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एम्प्टी लिखा, क्यों एम्प्टी लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ एलिमेंट्स क्यों नहीं डाले यहाँ पे, टेल मी, वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, यस, एंड दैट अभी यहाँ पे ब्लैंक है, बट जब हमारा टोटल प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आने वाले, एज पर एन वैल्यू, एन की वैल्यू जब 5 डालेंगे तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर हियर, 5। अभी देखो यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लिस्ट में हमें 1 बाय 1 एलिमेंट आपको अपेंड करना है। ओके तो वो कैसे होता है, देखो तो फॉर का यूज क्या होता है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम करके देखेंगे फॉर का, तो फॉर का एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला था हमारा फॉर लूप, बट यहाँ पे ये कंसेप्ट है तो हमें यहाँ पे ये लेना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर लूप, और व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट क्या
व्हाट इज दैट स्पेसिफिक इटरेशन फॉर एग्जांपल. अब इटरेशंस क्यों यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया था तीन टाइप्स के, तीन टॉपिक्स हमने आज. हैज टू बी रिपीटेटिव देन. यस यस यस. मॉर्निंग में हमने क्या देखा था कि थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर देयर. दोज आर सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज इटरेटिव. अभी ये फॉर लूप आता है इटरेटिव के अंदर. तो जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू प्रिंट द प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम्स और 5 टाइम्स लाइक वाइज. जैसे कि यहाँ पे देखो क्या किया है, फॉर आई इन रेंज एन, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू एन की वैल्यू मतलब हम यहाँ पे डालने वाले वो वैल्यू. तो यहाँ पे 5 डालो तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या कंसिडर होगी. एनी बडी वट इज वैल्यू हियर, एन की वैल्यू क्या कंसिडर होगी. तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके देखेंगे हम. फॉर आई इन रेंज, दिस इज सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. और यहाँ पे कुछ तो मुझे आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट स्पेसिफिक हेलो 5 टाइम्स. तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा, रेंज की वैल्यू क्या लिखी मैंने, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेंज हियर, टेल मी. 5. और ये 5 मतलब ये 5 एक्सक्लूड होता है. मतलब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा. कहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअली इंडेक्स, जीरो से. तो जीरो से कब तक चलेगा ये 4. और 5 के लिए लूप क्या होगा, स्टॉप होगा. 5 के लिए लूप क्या होगा, स्टॉप होगा. और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है मुझे, प्रिंट. मैंने लिखा हेलो, प्रिंट हेलो लिखा, हो गया. तो आई की वैल्यू यहाँ से, इनिशियल वैल्यू क्या होगी आई की, यहाँ पे टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इनिशियल इनिशियल वैल्यू ऑफ आई. Zero. Yes. Initial value of I, zero. Okay. अभी ये for loop है, by default जब पहला iteration खत्म होगा हमारा, मतलब I is equal to zero के लिए पहले क्या होगा, loop के अंदर जाएगा. loop के अंदर जाने के बाद क्या display होगा, Hello. Hello. अभी I की value zero है, तब हमें कहाँ तक लेके जाएगा वो for loop, 5 तक ना. तो 5 तक के लिए वो बाय डिफॉल्ट कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा. कितने से होगा, 1 से. तो 0 टू क्या होगा, 0 के बाद वैल्यू क्या होगी आई की, कॉमा करके 1. सो 1 के लिए फिर से अंदर आएगा लूप में, बिकॉज कंडीशन इज ट्रू. क्योंकि लास्ट वाला कंडीशन क्या है हमारा, 5. लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है ना. सो 1 के लिए अंदर. तो सेकंड टाइम डिस्प्ले होगा, लाइक वाइज वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 3, 4. और 5 के लिए कंडीशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेट होगा, हमारा लूप टर्मिनेट होगा. सो हाउ मेनी टाइम्स दिस विल बी डिस्प्ले, हेलो विल बी डिस्प्ले, 5 टाइम्स. यस. तो अभी इसके लिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हेलो 5 टाइम्स. आया हमारा आंसर, ऑल ऑफ यू गेटिंग. हाँ, अभी इसमें हमें कुछ चेंजेस करने. अभी ये फिर से मैं लेने वाला हूँ डिटेल में, सिंटैक्स वगैरह फॉर लूप का, ये व्हाट फ्लो चार्ट आल्सो. देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन हियर. अभी यहाँ पे I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से. जब हम सिंपली एक वैल्यू लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है दैट इज योर टर्मिनेशन कंडीशन. मतलब 5 लिखा मतलब वो क्या हो गया, टर्मिनेशन कंडीशन इज 5. मतलब I की वैल्यू जब 5 होगी तो लूप स्टॉप होगा. बट यहाँ पे जब मैं 1.5 लिखता हूँ तो उसका मीनिंग होता है 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक. मतलब इसका क्या, हाँ, व्हाट इज आंसर हियर, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्या होगा, यस 5 के लिए जाए चलेगा क्या, 5 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नो सर, नो. तो व्हाट इज आंसर, 4 टाइम्स हेलो आया. यस. सो हमें कंडीशन कैसे भी, मतलब जो रेंज वाला फंक्शन है ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, रेंज इनबिल्ट है, इन भी इनबिल्ट है. यहाँ पे आई की जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे मैंने जे लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जनरली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब एक ही फॉर लूप होगा तो आई लिखते हैं, फॉर के अंदर फॉर होगा तो आई और अंदर वाला जे ऐसे लिखते. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस. ये लूप काउंटर वेरिएबल कुछ भी लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं, ए लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं. देखो बट सिंटैक्स वैसे लिखना पड़ेगा आपको, कैसे, फॉर स्पेस ए इन रेंज इन ब्रैकेट कोलन और इंडेंटेशन. इंडेंटेशन क्यों देना है यहाँ पे, व्हाई वी हैव टू गिव द इंडेंटेशन, क्योंकि उसको पता चला होना चाहिए. हेलो सर, जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो दूसरा होगा, लाइक उसके अंडर है. हाँ, उसके अंदर. देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब इसके बाद भी मेरा प्रोग्राम है कुछ, तो फॉर लूप के बाद भी प्रिंट इन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल आई विल का हेलो वर्ल्ड. ओके, आई विल शो यू हेलो वर्ल्ड. ओके,
अभी इसको पता नहीं चल रहा है कि फॉर के ऊपर कौन कौन से स्टेटमेंट डिपेंड है, यस और नो, बराबर ना? कंपाइलर को पता चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अभी देखो एरर आएगा आपको, आया एरर एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक। जैसे ही यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो ये एरर यहाँ पे निकल जाएगा एंड यू विल गेट द आउटपुट फोर टाइम्स हेलो एंड वर्ल्ड, क्योंकि ये लूप का वर्किंग खत्म हो चुका है। लूप का वर्किंग खत्म होने के बाद वो नेक्स्ट टाइम कौन सी है, 24, और 24th लाइन पे क्या है, वर्ल्ड। और क्लियर विद दिस नाउ? इंडेंटेशन क्यों लिखना है समझ में है सबको? फॉर लूप, इफ कंडीशन, इफ एल्स, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? और एक चीज याद रखती है, अभी यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 से 2 हो रही है तो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट? 1 से। हाँ, तो उसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके 2 लिखा। सो कॉमा करके जब 2 लिखता हूँ तो i की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे अभी? 2 से। यस, दैट इज करेक्ट, 2 से इंक्रीमेंट होगी। सो यहाँ पे मैंने लिखा i इक्वल टू, बताओ मुझे अभी i इज इक्वल टू 1, बताओ जल्दी, चलो हैश i इक्वल टू 1, 3, और i के लिए क्या होगा? सो हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी डिस्प्ले नाउ? 2 times. यस, परफेक्ट। सो आंसर इज हेलो हेलो, और लास्ट में क्या है, वर्ल्ड, बिकॉज वो क्या है, लूप के बाहर है, गेटिंग, और उसको मैंने लूप के अंदर डाला। तो व्हाट इज आउटपुट टेल मी? हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, एक तरह से इंदौर सर। हाँ बोला बोला, एक साथ तेल ना दोनी। हाँ यस, दोनी एक साथ तेल, करेक्ट। मंजे हेलो वर्ल्ड एकदा, हेलो वर्ल्ड एकदा, गेटिंग? समझ लो, मंजे इटरेशन आयचा 1 इटरेशन साथी एकदा हेलो वर्ल्ड आला, आणि आयचा 3 वैल्यू साथी हेलो वर्ल्ड एकदा आला, आणि जेव्हा वैल्यू आयची 5 झाली तेव्हा काय झालं, तो लूप काय झाला, 5 less than 5 टर्मिनेशन झाला लूप, क्लियर आहे? ओके, तर इथे लक्षात ठेवा, this 1 is nothing but initial condition, initial value of i, this 5 is nothing but your condition that is less than 5, and this 2 is nothing but how many times you have by use matlab counter variable aapko kitne se increment karna hai, getting? Jab aap yahan pe counter variable nahi likhte to by default kitne se increment hota loop? 1 se. Yes, all of you clear this now? Any doubt? Yes, sir. No sir. Abhi ye loop use karke hum kya karenge, लिस्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे, गेटिंग? ये लूप यूज करके लिस्ट में एलिमेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो अभी इसको कमेंट डालता हूं, ये पार्ट हम डिटेल में फिर से लेने वाले हैं, सो डोंट पैनिक रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके? ऑल ऑफ यू क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। यस, सो आई विल रिमूव द कमेंट हियर। So as per our, ये तो समझ में आया ना, ये दो लाइन समझ में आया सबको, क्या लिया मैंने? देखो नंबर लिस्ट इज क्रिएटेड, ओके, यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है, अभी हमें वन बाय वन जब यूजर इनपुट देगा तब वो लिस्ट में एलिमेंट डालने हमें, देखो अभी। तो इसलिए मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, रेंज मतलब क्या है, एन की वैल्यू, मतलब जो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट यू वॉन्ट इन लिस्ट, सो यहाँ पे एन की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू मैंने 5 एंटर की, तो यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या कंसिडर होगी यहाँ पे? 5। यस 5, और i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0, परफेक्ट। सो 0 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? 5 तक। देखो उसके बाद मैंने लिखा नम इज इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर, अभी यहां पे हम एंटर करेंगे नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया नंबर, नम की वैल्यू एंटर की रही 5, उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है देखो यहां पे, नम अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड इन ब्रैकेट नम, अभी नम की वैल्यू कितनी मेरी, जो अभी मैंने बोला एंटर नंबर 5, तो एंड नंबर की वैल्यू कितनी, 5 डाली, तो अभी नंबर लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या इंसर्ट होगा, टेल मी, हेलो, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन योर नंबर लिस्ट? सर एक और बार स्टार्ट से एक्सप्लेन करो ना। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन वन टाइम अगेन, ओके। देखो यहाँ पे पहला क्या किया हमें, लिस्ट में कितने नंबर चाहिए मुझे, कितने एलिमेंट चाहिए, तो फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन वन इन एन वेरिएबल, जिसमें हमें यूजर से बचते कि यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूं, देखो यहाँ पे इससे आपको तुरंत पता चलेगा। सो यहां से मैं डिसाइड करूंगा
आई विल फर्स्ट और वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा आपको. ओके डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ यहाँ पे एंटर क्या करेंगे ना, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ मुझे. आपको नंबर ऐड करेंगे 1 2 3 से सर. नो 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 1 2 3 इज नॉट द आंसर. हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन द लिस्ट दैट यू हैव टू डिसाइड हियर. फॉर एग्जांपल आई वांट 5, तो मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया 5. अभी इसके बाद क्या आएगा देखो, एंटर नंबर. अभी यहाँ पे एंटर नंबर क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया 30, फॉर एग्जाम्पल 34, उसके बाद 45, उसके बाद 56, उसके बाद 67. अभी ये कितने एलिमेंट एंटर किए मैंने, 5. अभी बाय डिफॉल्ट हुआ, अभी एंटर नंबर नहीं आएगा, आगे में एंटर नंबर नहीं आएगा, डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर. आई आंसर मैक्सिमम नंबर इज 67, मिनिमम नंबर इज 13, काउंट इज 5, सम ऑफ नंबर इज 215, एंड एवरेज ऑफ नंबर इज 43. गेटिंग? यस सर नो सर. अभी ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो आपको दिखाऊंगा. वेट देखो, अभी ये समझ में आया पहले क्या किया हमने यहाँ पे, ये क्लियर है सबको? Yes, ये लाइन समझ में आया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या करना है आपको यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू टेल मी फास्ट. लिस्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट किसमें, आपके लिस्ट में. ओके दैट वी हैव डिसाइडेड बाय यूजिंग एन. ओके उसके बाद एक लिस्ट की, वो लिस्ट एम्प्टी फिल की यहाँ पे मैंने, बिकॉज ये करना था मुझे, क्या करना था, दिस थिंग. गेटिंग? यस और नो? यस सर. इसमें मैंने इनिशियली लिस्ट को एम्प्टी रखा, उसके बाद देखो क्या किया. फॉर आई इन रेंज एन, मतलब आई एक वेरिएबल लिया ना, काउंटर वेरिएबल फॉर लूप के लिए, रेंज एन, एन मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 फॉर दिस एग्जाम्पल. ये तो एन की वैल्यू कितनी है अभी, 5, यही एग्जाम्पल यहाँ पे. ओके 5, सो एन की वैल्यू 5 होती है यहाँ पे. आई की वैल्यू कितनी इनिशियली बताओ मुझे, जब मैंने कुछ भी लिखा नहीं वहां पे, कितना हो गया, 0 ना, 0. तो 0 के लिए लूप के अंदर आएगा. सो इट विल आस्क फॉर व्हाट, एंटर नंबर. व्हाट इट विल आस्क, एंटर नंबर. तो मैंने वैल्यू क्या एंटर की यहाँ पे, 13. तो 13 नंबर वैल्यू एंटर की, तो ये नम की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 13. ओके उसके बाद क्या किया मैंने, अपेंड फंक्शन यूज करके मैंने नंबर लिस्ट के अंदर अपेंड किया. तो नंबर लिस्ट डॉट अपेंड इन ब्रैकेट नम. सो अभी पहले वैल्यू कितनी गई यहाँ पे लिस्ट में, यहाँ पे कमेंट में डालता हूं, हैश 13. यस L1 L1 नहीं, नंबर्स अंडरस्कोर लिस्ट. ओके इक्वल टू, सो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फर्स्ट वैल्यू 13, बराबर ना, एस और नो? गेटिंग? तो अभी करंट वो देखना है हमें, तो यहाँ पे कर सकते हैं क्लियर. एक्चुअली बाद में यहाँ पे बाद नहीं करेंगे, यहाँ पे करना है तो भी कर सकते हैं. प्रिंट और लास्ट में करेंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे ये करके देखेंगे. ओके सो अभी आई की वैल्यू कितनी होगी, अभी लिस्ट में तो 13 गया, आई की वैल्यू 0 से कितना होगा बताओ मुझे, 1. अभी 1 के लिए फिर से अंदर आएगा लूप के अंदर. सो लूप के अंदर आने के बाद फिर से उसने पूछा एंटर नंबर, पूछा कि नहीं यहाँ पे, यस और नो? तो मैंने वैल्यू क्या एंटर किया, 30. क्या वैल्यू एंटर किया, 34. ओके सो 34 एंटर किया. सो 34 क्या अपेंड किया, किसके साथ, नंबर अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड 34. तो अभी करंट वैल्यू क्या होगी लिस्ट की आपकी, 13, 34. उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी, 2. अभी 2 के लिए उसने आगे पूछा एंटर नंबर, तो मैंने क्या एंटर किया, 45. यस परफेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट वैल्यू क्या अपेंड हो गया, अपेंड कौन सा हो गया वैल्यू, 45. आई की वैल्यू क्या होगी, कॉमा करके 3. नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पूछा मुझे, एंटर नंबर मैंने क्या डाला, 56. तो करंट वैल्यू अपेंड करने के बाद क्या हो गया यहाँ पे, कॉमा करके 56. उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4. तो 4 के लिए फिर से पूछा उसने एंटर नंबर, तो कितनी वैल्यू मैंने एंटर की, 67. ओके यहाँ पे मैंने कॉमा करके 67. ओके आई हैव गेट व्हाट, 67 यहाँ पे आ गया. अभी जब आई की वैल्यू 5 होगी तो आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, 5 लेस देन नॉट 5. यस और नो? यस सर. हमने एन की वैल्यू क्या ली है, 5 ना. सो यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट होगा. टर्मिनेट होने के बाद कौन से लाइन पे जाएगा लूप, काउंटर कौन से लाइन पे जाएगा, प्रोग्राम काउंटर 12 नंबर. हाँ यस, 12 नंबर
हाँ अभी तो यहाँ तक का पार्ट समझ लेना सबको, ये वाला ये दिस फाइव सिक्स लाइन्स। यस सर। हो सर। ओके, यहाँ पे मैंने 10 लिखा रहता है n की वैल्यू, तो क्या होता था, व्हाट विल हैपन, n की वैल्यू 10 ली रहती, यस दैट लूप विल बी एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स, तो वो कितने बार पूछता था मुझे एंटर नंबर, हाउ मेनी टाइम्स इट विल आस्क फॉर एंटर नंबर, 10 टाइम्स। ओके, सो अभी हमने हमारी लिस्ट क्रिएट कर हो चुकी है, अभी वो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे चेक करेंगे हम लिस्ट क्रिएट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा प्रिंट, तो क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे मैं नंबर, यस अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, सो हमें पता चलेगा कि वी आर गेटिंग द दैट आउटपुट, यहाँ पे पता चलेगा। आई विल रन दिस, अभी क्या करेंगे छोटी लिस्ट लेंगे, 3 की लेंगे और नंबर भी छोटे लाएंगे, 3, 5 and 6। यहाँ पे दिख रहा है आपको लिस्ट जो मैंने क्रिएट करके रखा था, yes, दिख रहा है क्या, 3, 5, 6। अभी उसमें से मैंने मैक्स नंबर मुझे मिला, yes, है क्या मिला है, 6। मिनिमम नंबर क्या मिला है मुझे, 3। काउंट कितना मिला है मुझे, 3। सम ऑफ नंबर कितना है, 5 plus 6 11 11 पर 3 14। और उसके एवरेज, एवरेज मतलब 14 divided by 3 कितना हो गया, 4.66। yes or no? 4.6। yes sir, yes, all of you clear with this, yes sir, okay। अभी यहाँ पे आप बोल, अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं, सिंपल है, यही एडवांटेज होता है पाइथन प्रोग्राम की, यहाँ पे सारी चीजें आपको क्या बोलती है, मिलती है, इनबिल्ट मिलती है, सिर्फ आपको फंक्शन के नाम याद रखने। ओके, तो यहाँ पे एज पर आवर टाइटल क्या बोला था उन्होंने, कंप्यूट एंड डिस्प्ले मैक्सिमम इन लिस्ट, मैक्सिमम इन लिस्ट मतलब जो भी आपने एलिमेंट वहां पे इंसर्ट किए उसमें से हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम, बोलो मैक्सिमम एलिमेंट, यस और नो। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मैक्स नंबर इक्वल टू, तो देखो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें, विच फंक्शन इज गिवन, मैक्स। तो मैक्स के अंदर क्या पास करना है आपको, लिस्ट पास करना है, क्या पास करना है, लिस्ट, कौन सी लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। तो जब पास करेंगे तो मैं आपको, तब मुझे आउटपुट क्या मिला, 6, क्या मिला मुझे, 6। ओके, उसके बाद मीन के लिए क्या फंक्शन यूज करना है, मीन, क्या लिखना है, मीन इन ब्रैकेट नंबर लिस्ट। सम कैलकुलेट करने के लिए क्या फंक्शन यूज करना है, सम, ऑल ऑफ यू गेटिंग, ओके। एवरेज के लिए कुछ फंक्शन नहीं, इनबिल्ट फंक्शन नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो सम निकला है हमने उसको किससे डिवाइड करेंगे, लेन ऑफ नंबर लिस्ट, गेटिंग और नॉट, लेन क्या करता है, लेन विल, वी विल गेट द नंबर ऑफ लिस्ट इन द लेन, इन दैट स्पेसिफिक लिस्ट, मतलब लेन ऑफ नंबर लिस्ट का आउटपुट क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे काउंट के लिए यूज किया मैंने, देखो डायरेक्ट हम वहां पे क्या लिख सकते, एन भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम, यस यू कैन राइट एन ऑल्सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, यस एन भी लिख सकते, यस करेक्ट, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट डाउन एन ऑल्सो और यू कैन यूज दैट लेन फंक्शन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, यस और नो, यस सर। हाँ, और उसके बाद मैंने हर चीज यहाँ पे डिस्प्ले की है, और यहाँ पे काउंट भी है, काउंट के लिए क्या किया मैं, डायरेक्टली क्या किया, लेन इन ब्रैकेट नंबर लिस्ट, तो लेंथ ऑफ द लिस्ट किससे मिलता है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट किससे मिलता है हमें, लेन फंक्शन से, विच फंक्शन, सो ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर लिस्ट टॉपिक, विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग, यस सर, आई समझ में, अभी ये असाइनमेंट सबको समझ में आया, कुछ डाउट है इसमें, नहीं, नो सर, ओके, सो यू कैन ट्राई इट योर एट योर होम दिस असाइनमेंट, ओके, समझ में, कुछ डाउट है तो पूछो अभी, तो अभी पूछो, नो प्रॉब्लम, हाँ हाँ, नो, 5 elements झाले ना, हाँ, मग झिरो पासून स्टार्ट केलं नाही, फॉर लूपच झिरो पासून स्टार्ट करतो, फॉर लूप बाय डिफॉल्ट एलिमेंट कुठे स्टार्ट करतो, कशापासून स्टार्ट करतो, येस, म्हणजे फॉर लूपला जी रेंज, तुम्ही रेंजची व्हॅल्यू, एनची व्हॅल्यू जी असते ना, ती व्हॅल्यू 5 झाली समजा, तर 5 झाली म्हणजे आय ची व्हॅल्यू, इनिशियल व्हॅल्यू काय असणार, बाय डिफॉल्ट काय असणार आहे, 0 to 5 नाही, 0 to 5 असणार ना रे, 6 कसे असेल, 0 to 5 असेल ना, येस ऑर नो, येस सर, फाईला तो हे होईल ना, फाईला होईल ना, आता समजा इथे 1, केलं तर 1 मला चालेल का, एन नंबर भेटो ऍड होतील काही, सांगा मला, 1, गेलं काय, जर मी एन ची व्हॅल्यू 5 टाकली तर किती एलिमेंट ऍड होतील इथे, येस करेक्ट का, 4 elements, why 4 elements,
start from 0. Because I value started as 1. I equals to 1 से start हो रहा है. हाँ, yes. हाँ, yes, yes. और जब हमें I कुछ भी नहीं लिखते, तो by default वो किसे start होता है? I 0 से. Yes, perfect. तो यहाँ पे 1 है, तो मुझे अभी n की value 5 रखनी है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? N plus 1. Yes or no? तभी मेरा क्या होगा? 5-11 से add कर सकता हूँ मैं. Yes or no? Yes, sir. अभी यहाँ पे बताओ मुझे रेंज फंक्शन क्या हो गया? 1 कॉमा कितना हो गया? 6. Yes, correct. 5 plus 1. Getting? Yes, sir. Yes, no? Sir. Okay, वो run करके देखेंगे. Yes, same program. तो 5 डाली मैंने. हो गया? कुछ yes, फर्क हो गया क्या? मतलब आपके प्रोग्राम yes, में कुछ मतलब आउटपुट में कुछ चेंजेस हो गए क्या? नहीं हुए. तो मैंने क्या चेंज किया है? रेंज की इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू यहाँ पे चेंज किए. गेटिंग? यस और नो? यस. सो आई थिंक इफ यू आर डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर. नो सर. यस हाँ, इट इज अ 2 किलोमीटर का व्हील. व्हाट विल हैपन? फिर से कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू फिर एन की वैल्यू 5 डाली, फिर भी कितने एलिमेंट लेगा वो? और मैंने एलिमेंट एलिमेंट लेगा 4 एलिमेंट. यस यस. वेट वेट बेटा, यहाँ पे अभी गलती से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ये किया. नहीं, फिर भी उसने किया होगा. बराबर. ठीक है, कितने लिया? हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टेकन? 4 एलिमेंट्स. 3, 4, 5, 6. गेटिंग? समझलो सगळ्यांना? यस सर. यस सर. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ये फिर से हम देखने वाले हैं कहां को. फॉर लूप जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम फिर से डिटेल में फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप के सारे नेस्टेड फॉर लूप सारी चीजें देखेंगे. ओके, बट अभी एक असाइनमेंट हमें तो करना ही है लैब सेशन में, तो हमें ये करना ही पड़ेगा. ओके ओके. एनी डाउट राइट नाउ? नो सर. नो सर. क्या थी कंप्लीट आवर फोर्थ असाइनमेंट? ओके. Yes or no? Yes sir. Hello, I go. Yes sir. Okay. I will. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. तो इसको ही क्या करेंगे? अभी इसको ये हटा देता हूँ यहाँ से. अभी फोर्थ में क्यों है? फोर्थ का असाइनमेंट का क्या? हमने एक पार्ट ऑलरेडी देखा है, एक नहीं दोनों भी पार्ट देखे एक्चुअली. ओके. इफ एल्स हमारा हो चुका है और अभी फॉर लूप का भी बताया मैंने, इसलिए मैं फोर्थ असाइनमेंट ले रहा हूँ यहाँ. हाँ, पढ़ो टाइटल पढ़ो अभी की, कोई एक तो. Anybody can read the title? To accept students 5 courses marks and compute his or her result. Student is passing yes, if yes. he or she scores marks equal to and above 40 in each course. Yes, yes. Student scores so, aggregate yeah. greater than 75%, then the grade is distinction. If aggregate is more than equal to 60 and less than 75, then the grade is first division. If the aggregate is 50, more than equal to 50 and less than 60, then the grade is second division. If the aggregate is more than equal to 40 and less than 50, the grade is third division. Yes, perfect, perfect. So, अभी क्या करना है हमें? समझ में आया टाइटल क्या करना है हमें? कोई भी एक स्टूडेंट के मतलब कोई भी मतलब रैंडमली 5 कोर्सेस के मार्क्स हमें एंटर करने. कितने कोर्सेस के? हाउ मेनी कोर्सेस? 5 मार्क्स हमें एंटर करने. ओके ओके. और उसमें क्या चेक कर, पहले देखते देखो क्या क्या. स्टूडेंट इज पास इफ उसके मार्क्स कितने चाहिए? एटलीस्ट 40 मार्क्स उसको चाहिए, तभी वो पास हो सकता है. गेटिंग? यस और नो? यस सर. अभी उसके मार्क्स अबोव 40 हो गए, तो उसके लिए उन्हें कैटेगराइजेशन किया है कि उसको डिस्टिंक्शन कब मिलेगा. ग्रेटर देन 75, इन बिटवीन 60 टू 75 होगा तो क्या होगा उसका? फर्स्ट डिवीजन. इन बिटवीन 50 टू 60 होगा तो सेकंड डिवीजन, और इन बिटवीन 40 टू 50 होगा तो कौन सा डिवीजन? थर्ड डिवीजन. सो नाउ विच टाइप ऑफ व्हाट कंट्रोल स्टेटमेंट वी हैव टू यूज हियर? एनीबॉडी, कौन सा यूज करेंगे हम? आज लिया ना हमने इफ एंड एल्स. यस, इफ एल्स क्यों? यस, एलिफ कर सकते हैं बिकॉज मोर देन वन कंडीशन है. ओके, तो देखो अभी तो ऑब्वियसली पहले हमें मार्क्स लेने हैं यूजर से, तो ऑब्वियसली एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया. बराबर? यस और नो? यस सर. बराबर है क्या?
ओके, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में क्या किया था, एक नंबर की लिस्ट क्रिएट की थी, बराबर ना? हाँ, तो यहाँ पे हमने मार्क्स की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की। अभी अभी यहाँ पे क्या है, हमें पता है 5 मार्क्स, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज में डायरेक्टली क्या वैल्यू डाला है, 5। हाँ, और यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं था किस प्रोग्राम में, विच प्रोग्राम, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे उन्होंने बोला था कि तू एक्सेप्ट एन नंबर्स, इसलिए मैंने एन इज इक्वल टू क्या लिखा था, एंटर एन। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें पता, इसलिए हमें वहां पे एन की वैल्यू लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं। तो डायरेक्टली मैंने रेंज में वैल्यू क्या डाला है, रेंज फंक्शन के अंदर 5। यस 5। उसके बाद उसको कोलन किया मैंने, अरे 5 for i in range (5, colon). ओके, अभी ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ पार्ट लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने देखो मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इन मार्क्स, अभी ये यहाँ पे क्या करता, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इससे मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, m1 करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है गलती से आप मार्क्स और मार्क में कंफ्यूजन होता है वहां पे, सो आई विल डू वन चेंज, m1 करता हूँ, तो यहाँ पे आई विल अगेन डू वन थिंग m1, एंड ये मार्क्स, ठीक है, अभी क्लियर है? सो लिस्ट क्या है मार्क्स की है, और दो मार्क्स एंटर करने वाले हैं m1 वेरिएबल में जाएंगे, देखो, सो m1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट मार्क्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अभी यहाँ पे वो पूछेगा एंटर मार्क्स, यस, तो यहाँ पे पूछेगा वो एंटर मार्क्स, क्या पूछेगा वो एंटर मार्क्स, जैसे पहले प्रोग्राम में क्या पूछता था वो एंटर नंबर, यस और नो, यस सर, यस सर, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ मैं, हैश आई की वैल्यू कितनी होगी पहली, 0 0 0, तो आई के 0 वैल्यू के लिए पहले क्या पूछेगा, यहाँ पे करके देखेंगे पहले डायरेक्ट, जैसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था वैसे रन करके देखेंगे, अभी एंटर मार्क्स डायरेक्टली पूछा ना उसने, एंटर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया 45, यस, तो कितने मार्क्स पूछेगा अभी बताओ ये मुझे यहाँ पे, मिला हमें आंसर, मिला फर्स्ट डिवीजन, अभी वो कैसे आया वो देखेंगे, देखो अभी यहाँ पे मैंने इनपुट क्या लिया पहले 45, ओके, तो ये 45 जब आई की वैल्यू 0 होगी तब वो पूछेगा, क्या पूछेगा वो, आई की वैल्यू 0 होगी तब व्हाट विल लास्ट फॉर एंटर मार्क्स ना, एस और नो, फर्स्ट टाइम पूछेगा ना वो एंटर मार्क्स के लिए, ओके, तो यहाँ पे कमेंट करके मैं क्या करता हूँ, मार्क्स का लिस्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ओके, हाँ, तो एंटर मार्क्स के लिए मैंने पहले वैल्यू क्या डाली थी, 45 ना, 45, ओके, अपेंड फंक्शन की वो 45 होगा, और उसके बाद और एक चेक कर रहा है, देखा वहां पे समझ में आ रहा क्या किया मैंने, उसके नीचे एक स्टेटमेंट है, यस सर, m1 लेस देन 40 होगा तो फेल होगा सर, ये क्यों किया मैंने, जब हम मार्क एंटर कर रहे तभी एक वैल्यू, एक कोई वैल्यू वहां पे लेस देन 40 होगा तो डायरेक्टली मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, फेल, वो बाकी क्या बाकी के पूछे मतलब आगे जाएगा ही नहीं, एवरेज मार्क्स पूछेगा नहीं, ओके, ऑल ऑफ गेटिंग, बिकॉज वही कंडीशन है हमारी, स्टूडेंट इज पासिंग इफ ही और शी स्कोर्स मार्क्स इक्वल टू एंड अबव 40 इन ईच सब्जेक्ट, तो लेस देन 40 है तो डायरेक्ट उसका ग्रेड क्या होगा, फेल्ड, हाँ वो करके देखते हैं अभी यहाँ पे करके, पहले हम एक एग्जीक्यूट करेंगे पहले, फर्स्ट तो पूछने ना एंटर एवरेज की क्या ला, एवरेज करा क्या एंटर, नहीं सर, एवरेज डिस्प्ले के लाना है ना, नहीं आपल्याला काय पाहिजे होतं फक्त फर्स्ट डिव्हिजन, तिथे विचारले का बघ की दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द एव्हरेज, एव्हरेज कॅल्क्युलेट करून ठेवला तुला रिस्पे करायचं तर शकतो काय प्रॉब्लेम, समजलं सर, इधर लेकिन बताए ना कंप्यूट हिज और हर रिजल्ट, तो हम लोग को उसका एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना, एवरेज निकाला है हमने, प्रिंट करने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कंपलसरी, गेटिंग, तो प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे मैंने यहाँ पे किया अभी, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है आपको, उससे कुछ फायदा नहीं, मतलब हमें सिर्फ डिवीजन पाई चाहिए, जैसे यहाँ 67 मैंने डाला, 45 डाला, एंड 67 अगेन फॉर एग्जांपल, एंड 78, अभी आया है यहाँ पे एवरेज, यस सर, आया क्या, यस
डिपेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एज पर मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन वो चाहिए सिर्फ मुझे, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ओके गेटिंग। आपको पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, कैन डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले प्रिंट इन ब्रैकेट मार्क्स, यस और नो, वो करते हैं यस सर, यस। तो यहाँ पे मैंने 56, 78, 90, अरे 98, then 68, and ओके आए यहाँ पे सेवेंटी एट सिक्सटी एट झालं, त्याच्यामुळे ते झालं, पण कळलं का तुम्हाला, समजलंय? आता इथे काय करू, हा इथे बघा, आता पहिला 45 एंटर केला, दुसरा मी आय ची व्हॅल्यू किती होणार आहे, आता व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय, वन के लिए मैंने कुछ वैल्यू एंटर किया 67, उसके बाद टू के लिए वैल्यू एंटर किया, टू के लिए एंटर किया फॉर एग्जाम्पल 78, लाइक वाइज थ्री के लिए एंटर किया मैंने, लाइक वाइज फोर के लिए, ओके कॉमा करके, एक्चुअली एक वैल्यू कम हो गया नीचे, यस यस यस। तो जीरो के लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे, मार्क्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यस मार्क्स ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, 67, वो करना है आपको, देखना है करके तो कर सकते, देखो यहाँ पे करता हूं मैं, सिक्सटी फाइव फॉर एग्जाम्पल जीरो टू करता हूँ, मार्क्स ऑफ इन ब्रैकेट टू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एक ही मिलेगा ना कुछ, तो कोई तो एक स्कोर मिलेगा ना, एस और नो, कौन सा स्कोर मिलेगा इसमें से बताओ मुझे, 78, क्योंकि क्यों 78 मिलेगा, बिकॉज इंडेक्स ऑफ इज लिस्ट इज ऑलवेज व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यस यस परफेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने अभी इनपुट अलग डाल के देखेंगे, जो आपको कंडीशन हैंडल करना है, कौन सा 40 वाला, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 67, 78, देन 45, देन 89, एक्चुअली 40 के लिए कंडीशन लेस देन 40 इसने कंसिडर नहीं किया यहाँ पे, वेट इसके अंदर गया है नहीं ना, ओके ये कंडीशन कहां पे चाहिए हमें, इफ वाला ये पहले लेना पड़ेगा अपेंड करने के पहले, यस और नो, यस और नो, यस सर, समझ में आ रहा है क्या हो गया, क्या हो गया समझ में आपको, यस सर, ऑल ऑफ यू गेटिंग व्हाट हैपेंड हियर, हमने क्या किया था, पहले अपेंड किया उसके बाद चेक किया कंडीशन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे मैंने 56, 67, देन 39 आया यहाँ पे फेल्ड आया, और फेल्ड के बाद क्या चाहिए यहाँ पे, फेल्ड के बाद और एक करें, वहां पे वो पूछ रहा है फिर से, फिर एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट डालना पड़ेगा हमें, वो एंटर मार्क्स नहीं पूछना चाहिए वहां पे, क्या नहीं पूछना चाहिए, वो फेल्ड के बाद क्या चाहिए फिर, एग्जिट, यस परफेक्ट परफेक्ट, एग्जिट हमने कहां पे किया था, फर्स्ट असाइनमेंट में, तो कहां पे एग्जिट डालना पड़ेगा, प्रिंट के नीचे, यस प्रिंट के नीचे, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट डाला, तो यहाँ पे जब एग्जिट डालेंगे तब हमारा क्या होगा, एग्जिट होगा यहाँ पे, वेट अभी ये टाइम आउट हो जाएगा इसका, बट ये असाइनमेंट समझ में है सबको कैसे करना है, कंडीशन कैसे अप्लाई करायची समझ लगा ना, प्रीवियसली काय केलं होतं समझ लगा, काय येत होता आंसर समझ लगा रहता, कारण की इफ ची कंडीशन व्हाट वी हॅव टू डू, कंडीशन पहले चेक करना पड़ेगा हमें बिफोर एडिंग मार्क्स इन टू द लिस्ट, यस और नो, गेटिंग, ओके यस सर,
हे काय हँग झाला इथे. ठीक आहे आपण बघू परत एकदा दुसरा ओपन करू. यस सर. कॉपी दिसते. So all of you, now what, which assignment you have to complete now? कौन से करने अभी टोटल? थर्ड एंड फोर्थ. हाँ, हाँ, आणि त्याला डेडलाइन आहे तुमची नेक्स्ट वीक. म्हणजे कोणता? आज किती तारीख आहे? 9th. म्हणजे एक दिवस वाढून घ्या. 17th इज द लास्ट डेट फॉर आवर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट नंबर थर्ड अँड फोर्थ. 17th ऑफ जून. गेटिंग? ओके सर. सो 17th ऑफ जून तक आपको क्या क्या करना है? 17th ऑफ जून तक थर्ड एंड फोर्थ असाइनमेंट. थर्ड एंड फोर्थ नाही, पहिल्या दोन पण करायचे. हा, ऑल फोर असाइनमेंट. हा, ज्यांच्या झाल्या त्यांच्यासाठी नाहीये, ज्यांनी नाही केले त्यांच्यासाठी आहे. पहिल्या दोन जर तुम्ही 11th ड्यू डेट नंतर सबमिट केल्या, सो यू विल व्हाट लूज युअर मार्क्स. जिन्होंने सबमिट किया उनको स्कोर ऑलरेडी भेजा है मैंने रिगार्डिंग दैट असाइनमेंट. ओके, मिला है ना स्कोर? यस. नहीं सर, नहीं मिला. हाँ, जिन्होंने आज किया है उनका, देखो अभी आया आंसर. सर, दो दिन हो गए. यस सर. नहीं मिला. क्या नाम है आपका? प्रशांतदीप. प्रशांतदीप, मैंने टर्न इन किया आपका, आपको देखो एक बार, देखो आपको स्कोर. मेरे हमारे यहाँ पे तो दिख रहा है आपका स्कोर. देखता हूँ सर. देखो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा फेल्ड वाला. यस सर. नो. यस सर. तो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस कोड नाउ? समझ में आया कोड? कुछ डाउट है किसी को? डाउट यू कैन आस्क. ओके, सो ऑल ऑफ यू रन दिस टू एक्सपेरिमेंट एट युअर होम, एट युअर साइड. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट अ राइटअप फॉर असाइनमेंट नंबर 3 and 4 एंड मेक अ पीडीएफ एंड अपलोड इट ऑन असाइनमेंट नंबर 3 and 4. ओके. ओके सर. यस सर. ती पण करायची असाइनमेंट वन करायची फक्त. टू अजून नाही झाली, टू चा चॅप्टर आपला खरं संपायचा आहे, आताची स्टार्ट झाला. ओके, असाइनमेंट नंबर 1 की जो थेरी असाइनमेंट है उसकी डेडलाइन है आपको क्या है? व्हाट इज डेडलाइन? 15th. यस, 15th ऑफ जून. यस, थेरी की बोल रहा हूं मैं. ओके, सो आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. 15. ओके, ठीक आहे. मगाशी लेक्चरला नव्हते असे कोण आहे आणि ते आता लेक्चरला लॅबला आहेत असे सांगा फक्त. हीच अटेंडन्स मी कन्सिडर करणार. दोज वर अब्सेंट इन फर्स्ट लेक्चर बट प्रेझेंट इन लॅब सेशन, असं आहे का कोणी? C05. हा, मगाशी होताच की तू? नाही, C05 नव्हता मगाशी. येस येस. C34. येस. अजून एनीबडी? ओके, सो कॅन वी स्टॉप फॉर टुडे सेशन? येस सर. सो होप यू अंडरस्टँड ऑल द 4 असाइनमेंट रिगार्डिंग लॅब सेशन. इफ यू हॅव एनी डाउट यू कॅन आस्क. अभी पहले पूछा था मैंने, जिसको किसी को डाउट है दे कैन आस्क. और अभी भी डाउट है तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर अगेन, यू हैव टू रिमेम्बर क्या बोलना था मुझे? थ्योरी असाइनमेंट, लैब असाइनमेंट हो गया. हाँ, आई विल सेंड अ लिंक ऑफ फर्स्ट क्विज रिगार्डिंग यूनिट नंबर 1. ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट दैट स्पेसिफिक क्विज. 25 क्वेश्चंस आर देयर. First you have to revise all the things, then attend this please. Okay? Yes or no? Hello? Hello? Are you coming to understand? Yes sir. Okay. Yes sir. So thank you. Yes sir. We'll stop here. Yes sir. You can left now.
थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक्स सर थैंक यू यस यस सर स्कोर आने लग नहीं है काय नावे तेजस पाटील काल केले सर पाटील आई थिंक हाँ चेक नसं केली मग एकदा फक्त मी चेक करतो आज सगळ्यांचं चेक करून टाकतो ज्यांचं राहिले तर काल केले होते सर मी रात्री स्कोर कुठे दिसतो तुम्हाला येतो टर्न इन मी तुम्हाला दिसत नाही का तो नाही सर स्कोर नाही दिसत फक्त टर्न इन केलेला कळतो ते रिसबमिट येतं फक्त तिथे ऍक्च्युली हा बरोबर ते तुम्हाला स्कोर हा स्कोर दिसत नाही मला वाटतं मी केलाय स्कोर सबमिट जाऊ दे काही प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे तो आहे माझ्याकडे हा सर आता आपण जे फोर्थ प्रॅक्टिकल केलं ना त्याच्यामध्ये सगळ्याला फर्स्ट डिव्हिजन येत होत म्हणजे जे तुम्ही आता दाखवले ना त्याच्यामध्ये नाही नाही मग ते व्हॅल्यूज तसे टाकले होते ना मी ठीक आहे चेक चेक करून बघा तुम्ही 45 चा पण येत होता ना एव्हरेज तर त्याला पण फर्स्ट डिव्हिजन आलेला 45 चा एव्हरेज अरे 45 च्या खालच्या जे व्हॅल्यू जे होते ना ते मोठे होते ना ओके तुम्ही एकदा चेक करा नाही प्रॉब्लेम यायला पाहिजे चालेल एक मिनिट मी दाखवू कारण करून एकदा परत हो चालेल ना एक मिनिट थांबा एक मिनिट वेट आता ते मी लॉग आउट केले ह्या पीसी मधनं करतो मी लगेच रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो हा स्क्रीन दिसती का हॅलो आता बघ बरं आता दिसत आहे हा तुझं काय म्हणणं आहे फर्स्ट डिव्हिजन येते सगळ्यांना का ओके ठीक आहे आपण रन करू ठीक आहे व्हॅल्यू तू सांग मला आता त्यात टाक तुम्ही ओके 50 55 45 60 then 65 किती 65 एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट ते ऍव्हरेज किती आलाय डिस्टिंक्शन आलंय सम ऑफ मार्क्स एव्हरेज कसं चुकलंय एव्हरेज पण चुकला गे ते इथे पहिलं काय डिस्प्ले केलेलं आपण एव्हरेज इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स प्रिंट एव्हरेज आणि प्रिंट एव्हरेज नंतर परत काहीतरी 134 पण आले एक मिनिट एव्हरेज काढू एव्हरेज इक्वल सम ऑफ मार्क्स मार्क्स आलेत आपले परत एकदा रन करतो बघ आलं का आता आलं का बरोबर ना ओके आणि आता डी एव्हरेज पण आपण डिस्प्ले करू इथं आलं का
ठीक है, सिर्फ डिस्टिंक्शन करून पहा, फर्स्ट डिव्हिजन आला आपलं डिस्टिंक्शन करून पहा, सेकंड डिव्हिजन झाले आता फेलचं पण करून पाहिलं, ओके काय डाऊट असेल तर विचारा मग, ओके ठीक आहे चालेल, ओके चालेल. काय बोला सर? अरे ते आपलं होणार आहे अजून टाइम, त्याचा उपयोग असा असतो की मला हे चार एलिमेंट आहेत स्पेसिफिक रेंजेस चे एलिमेंट, पहिले तीनच एलिमेंट पाहिजे, तर पहिले तीन एलिमेंट साठी मी काय करू शकतो, झिरो टू थ्री करू शकतो, म्हणजे झिरो वन टू आणि थ्री म्हणजे काय लास्ट एलिमेंट, तो स्किप होतो म्हणजे एक्सक्लूड होतो, म्हणजे कुठले एलिमेंट होणार त्यासाठी किती येईल, झिरो टू थ्री साठी झिरोचा डिस्प्ले होईल पहिला वन, वन डिस्प्ले होईल म्हणजे फोर, आणि टू डिस्प्ले होईल सिक्स, सेव्हन डिस्प्ले होणार, किंवा तू एलिमेंट आठ घेतला नऊ घेतला किती एलिमेंट झाले एक दोन तीन चार पाच सहा, म्हणजे झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह झाले, आणि तुला पाहिजे झिरो टू फोर पाहिजे म्हणजे हा वन फोर, हा मग ते इंडेक्स ना, हाच इंडेक्स ना, म्हणजे मी जेव्हा फक्त स्पेसिफिक मला फक्त एक इंडेक्स ते मार्क्स पाहिजे, ठीक आहे इथे करून दाखवून तुम्हाला. आले 45 झिरो ऑफ टू मार्क्स ऑफ टू, पहिले दोन कसे असेल, इंडेक्स नंबर झिरो टू, इंडेक्स नंबर टू, इंडेक्स नंबर टू ला व्हॅल्यू काय, झिरो वन सिक्स्टी सेव्हन फोर्टी फाय, अरे काय झिरो वन टू, कसं करून तुला सांगता एक मिनिट, एक मिनिट तुला इथं करून लगेच सांग, कळलं का आता, अरे हे घेणार आहे सर, हे आता प्रोग्राम लॅबचे असाइनमेंट घ्यायचे म्हटलं आपलं पुढे तर जावंच लागेल ना, नाही लॅबचे असाइनमेंट कम्प्लीट राहिले आणि टाइम तर आता दिलेला आपला, त्यामुळे हे कन्सेप्ट पहिलं घेतलं मी, आता हे मार्क्स केलं तुला कळेल की ते इंडेक्स वाईज तुला कळून जाईल लगेच, आता जे पाहिलं ना ते सांग. समजते का तुला म्हणतोय मी? आता बघ आता तुला कळेल, आणि टू आलं का, टू कुठे इथं कळत, झिरो वन टू थ्री फोर, येस 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 येस, ते लिस्ट पण होणार ना आपलं सेकंड चॅप्टर लिस्ट वरतीच खेळायचं, नाहीच ना तेच सांगते म्हणून तर म्हटलं, फर्स्ट फक्त डिव्हिजन विचारलं डिस्प्ले करायचं, ते कम्प्युट करा म्हणले ते, पण डिस्प्ले करायचं असं काय करू करू शकता काय प्रॉब्लेम, ठीक आहे जय श्री आत्ता क्वालिला, आता माहित नाही रे, आता टायमिंग दोन आहे, एक तर नऊ ते तीन आहे दहा ते चार आहे, माझं दहा ते चार असतो मॅडमचं माहित नाही मला, म्हणजे नऊला येत असं तीनला जातात, हा केबिन तुला सांगतो, एकशे फर्स्ट फ्लोअरला म्हणजे ह्या साईडने जा स्टेअरकेसनी उतर आणि फर्स्ट फ्लोअरला जा, फर्स्ट नाही स्टेअरकेस नको लिफ्टनी जा, कारण स्टेअरकेसनी गेलो तू तुला मध्ये आड शकतो करू आलं लक्षात, कारण लिफ्ट आणि लिफ्ट म्हणजे मध्ये हे ना फर्स्ट फ्लोअर नंतर तिकडून काय त्या कुठे साईड मध्ये हे पार्किंग झालं आपलं, त्यामध्ये स्टेअरकेस नको जाऊ लिफ्टनी जा कुठे तिकडच्या पार कोपऱ्यातलं, तर तिथून जाऊन एकशे पंचवीस एकशे चोवीस त्या कोपऱ्याचा चार लागेल, म्हणजे डेढ इंचवरच्या तिकडे ह्याच बिल्डिंगच्या लास्टला इकडे तुम्ही जाऊन हा कसा इकडचा येणे तसा तिकडचा येणे, लायब्ररी तीच सांगतो ना हा ते चार काय नाही काही आणि एक नऊ ते दिले असेल बघ, हो समजते ना, समजते ना, काय डाऊट असेल तर विचारायचा, प्रॅक्टिस केली ना सवय होऊन जाते, म्हणजे आता कसं प्रॅक्टिस नाही केली त्याच्यामुळे कसं असतं
थोडस एरर वगैरे यायचे प्रमाण असतात किंवा मग सफाईला झालेलं आहे तुझं प्रोग्रामिंग पार्ट शिकला का पहिले अकरावी बारावीला प्रोग्रामिंग होते का होत का कोणतं होतं सी प्लस प्लस हा का पायथनचं काय आहे पायथनचे सिंटॅक्स इझी सी प्लस प्लस चे सिंटॅक्स जरा कॉम्प्लिकेटेड थोडस असा प्रॉब्लेम आणि पायथन मध्ये काय आहे पायथन मी इनबिल्ट फंक्शन लिहिली आता हे जर तू मिन मॅक्स काढायचं म्हटलं तर फॉर लूप वगैरे वापरायला लागतो पुढे सी सी प्लस मध्ये डायरेक्ट फंक्शन नाही भरपूर इनबिल्ट फंक्शन याच्यामध्ये त्यामुळे ते सोपं जातं करायला